नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी मालपुआ की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप इसे किसी भी तीज त्यौहार में बनाकर जल्दी से तैयार कर सकते हैं। और अभी होली आ रही है, तो इस होली पर आप इसे ज़रूर बनाइएगा। तो देख लेते हैं इसके लिए मैंने क्या क्या लिए हैं। तो मैंने इसके लिए 200 ग्राम मैदा लिए हैं, और एक कप में 2 कप है, और 2 केला लिए हैं। ये अच्छी तरह से पका होना चाहिए केला। केला आप अपने अनुसार से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 कप दूध है ये बड़े कप में, और आवश्यकता पड़ेगा तो और दूध लेंगे। यदि हम चाहें तो पानी में भी घोल सकते हैं बैटर, लेकिन दूध में बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनता है मालपुआ। चीनी 100 ग्राम लिए हैं, या अपने टेस्ट के अनुसार लेंगे, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और घी 1 बड़े चम्मच, और 5-7 बादाम लिए हैं, थोड़ा सा किशमिश लिए हैं, 3-4 लौंग और इलायची लिए हैं, और थोड़ा सा नारियल मोटे मोटे टुकड़े में काट लिए हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम केला को छीलकर मिक्सी जार में रख लेते हैं, और इसे मोटे मोटे टुकड़े में इस तरह से काट लेंगे। देखिए, तो केला को छिलकर काट कर रख लिए। अब चीनी डाल लेते हैं और दूध आधा डाल लेते हैं इसमें। अब इसमें घी डाल लेते हैं और इसे एक बार चला लेते हैं इस तरह से। वैसे हम चाहे तो बिना मिक्सी यूज किए भी मालपुआ बना सकते हैं। पहले एक बर्तन में केले को मैश करके और सारे चीज़ घोल लेंगे, लेकिन इस तरह मिक्सी में बनाने से बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनती है मालपुआ। तो आप इस तरह से बनाइएगा तो बहुत ही टेस्टी बनेगा मालपुआ। तो अब देखिए, इसमें आप डाल लेते हैं मैदा। मैदा एक बार नहीं डालेंगे, इतना आधा आधा करके डालेंगे। आधा रखकर पहले मिक्स कर लेंगे, फिर आधा डालकर करेंगे। तो अब ये दूध डाल लेते हैं और मैदा भी डाल लेंगे पूरा। अब इन्हें एक बार फिर से चला लेते हैं। तो अब इसमें दूध डालना पड़ेगा, तो एक बार इस तरह से चला लेते हैं चम्मच से, नीचे ऊपर कर लेते हैं। अब इनमें मसाले भी डाल लेते हैं जो हमने लिए हैं, और इनमें आधा कप दूध डालेंगे या आवश्यकता के अनुसार। तो इसे डाल लेते हैं और एक बार मिक्सी को फिर से चला लेंगे। और दूध को मैंने पहले से ही उबाल कर ठंडा करके रखे थे, यानी रूम टेम्परेचर पर रखे थे। तो देखिए, मैंने इसे चला लिए हैं, अब ये हो गया है। अब इसे ज़्यादा हमें नहीं चलाना है मिक्सी को। तो अब इन्हें निकाल लेते हैं एक बाउल में। अब इन्हें ढककर एक साइड में रख देते हैं, सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे, ताकि हमारा बैटर अच्छी तरह से सीट हो जाए। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब तेल को गर्म होने के लिए रख दिए हैं, किसी भी तेल में अथवा घी में आप फ्राई कर सकते हैं, सिर्फ सरसों का तेल मत लीजिएगा। और जब तक तेल गर्म हो रहा है, तब तक हम इस तरह से इसे एक बार चला लेते हैं। आप चाहे तो बड़े बॉल में रखिएगा तो आसानी होगा और चलाने में, या चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन तब तक ये चला लेते हैं तो और भी अच्छा हो जाएगा। और देखिए, बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए, नहीं ज़्यादा गाढ़ा नहीं ज़्यादा पतला। तो अब डालते हैं, तेल गर्म हो चुका है। तो एक गोल कलछी की सहायता से इस तरह से बैटर हम कढ़ाई में डालेंगे, और जितने बड़े हमें मालपुआ चाहिए उतने बैटर हम एक बार में डालेंगे पैन में। और पहले वाले मालपुआ को फुलाकर इस तरह से चलाकर साइड में जगह बनाकर और दूसरा भी डाल सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि एक आपस में जुड़नी नहीं चाहिए मालपुआ, नहीं तो चिपक जाएंगे। तो देखिए, तेल बहुत गर्म था इसलिए पहला वाला ये जल्दी से जल गया। तो इसीलिए मैंने गैस को बिल्कुल लो रखे हैं अभी, ताकि जले ना अब। तो अब इन्हें भी सेक कर निकाल लेते हैं, फिर से दोबारा रखेंगे इनमें। और तेल का टेम्परेचर का ध्यान रखेंगे, यदि तेल बहुत गर्म है तो गैस का फ्लेम लो कर लेंगे, यदि ठीक है तो मीडियम पर रखेंगे।
तो इसी तरह से लो टू मीडियम में हम सेकेंगे मलपुए को, तो बहुत ही अच्छी मलपुए बनेंगे। तो देखिए ये मलपुआ, ये बहुत परफेक्ट है, ये इसी तरह का होनी चाहिए। तो अब दूसरे डालते हैं, तो इसी तरह से डालकर और एक मलपुए फूलने देंगे, फिर दूसरा डालेंगे। और देखिए तेल का टेम्परेचर लो हो गया था, तो मैंने गैस का फ्लेम मीडियम कर लिए हैं। बहुत ठंडा हो जाएगा तेल तो फूलेगा नहीं मलपुआ, और तेल बहुत गर्म हो जाएगा तो तुरंत ही रखते जल जाएगा, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे, तो बहुत ही मलपुआ अच्छे बनेंगे। तो अब इनमें डालते हैं दूसरा, देखिए ये फूल चुका है, इन्हें साइड कर लेंगे और जगह बनाकर हम दूसरा डालेंगे, फिर तीसरा डालेंगे। इसी तरह से हम रखते जाएंगे और जो पहले सीख जाएगा उसे निकाल लेंगे। तो इस तरह से इसे भी फुलाकर और तीसरा भी रखेंगे, देखिए इस तरह से इसमें जगह बनाकर तीसरा भी रख लिए। अब इसे भी चलाते हुए पकाएंगे और जो पहले हो जाएगा निकाल लेंगे, और गैस का फ्लेम जरूरत के अनुसार से कभी हाई कभी मीडियम कभी लो करेंगे। तो इसी तरह से हम सारे मलपुए छानेंगे, देखिए इसका कलर गोल्डन कलर है, इसी तरह का होना चाहिए। तो अब सारे मलपुए इसी तरह से छान लेते हैं पहले, तो देखिए मैंने सारे बैटर से मलपुआ छान कर तैयार कर लिए हैं, ये लास्ट है। तो अब इन्हें भी तलकर निकाल लेते हैं। तो देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितना अच्छा सिका है मलपुआ, तो चलिए इसे सर्व करते हैं। तो ये लीजिए, मैंने मलपुए के ऊपर थोड़े पिस्ते की कतरन से गार्निशिंग कर दिए हैं। तो आप ये मलपुआ किसी भी तीज त्यौहार पर बनाकर एज अ प्रसाद के रूप में या स्वीट डिश के रूप में यानी डिजर्ट के रूप में सर्व कर सकते हैं, या किसी दिन नाश्ते या स्नैक्स के टाइम आप सर्व कर सकते हैं इन्हें ग्रेवी वाली सब्जी के साथ, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये नाश्ते। तो आप जैसे भी सर्व करें लेकिन बनाएं जरूर, और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये कटहल की सब्जी है, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ,